Greetings to all. Myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today, we are going to study about wheat plant. आज हम गेहूँ के पादप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वीट, गेहूँ के पादप का आर्थिक महत्व. गेहूँ जो है, वीट है, ये एक प्रमुख फसल है जो विश्व के प्रत्येक भाग में उगाया जाता है. संपूर्ण विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी अपना भोजन गेहूं से प्राप्त करती है. गेहूं में उपस्थित ग्लूटेन के कारण इसको आटे के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उत्तम व स्वादिष्ट चपाती ब्रेड इससे बनती है. बोटनिकल नेम ऑफ एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वीट. लोकल नेम गॉम, इंग्लिश नेम वीट. फैमिली गेमिनी. बॉटनिकल नेम टिट्रिकम एस्टिवम. ओरिजिन सॉफ्ट वीट ब्रेड वीट एंड हार्ड वीट रेड वीट. वानस्पतिक नाम क्या है इसका? टिट्रिकम एस्टिवम है. कुल कौन सा है इसका? ग्रेमिनी या पोएसी इसका कुल है. सामान्य नाम क्या है, कॉमन नेम इसका क्या है? गेहूं. वीट इज द सेकंड मोस्ट स्टेबल फूड इन बांग्लादेशी पीपल. बांग्लादेशी लोगों के लिए ये सेकंड स्टेबल फूड के रूप में जानी जाती है. वीट ग्रेन्स आर ग्राउंडेड इनटू फ्लोर एंड कस्टमाइज इन द फॉर्म ऑफ चपाती एंड ब्रेड. सॉफ्ट वीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती, ब्रेड, केक, बिस्किट्स, पेस्ट्री एंड अदर बेकरी प्रोडक्ट. सॉफ्ट वीट का सब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है. हार्ड वीट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सूजी एंड शेमे. इन एरियाज वेयर राइस इज ए स्टेपल फूड ग्रेन, वीट इज ईटन इन द फॉर्म ऑफ पूरी एंड अदर प्रोडक्ट लाइक सिंघाड़ा एंड समाचा. इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फ्लैक्स एंड स्वीट मीट्स लाइक खीर एंड शीरा. ये खीर और शीरे के रूप में भी ये काम में आती है. वीट ग्रेन्स इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग स्टार्च. गेहूँ के दानों का प्रयोग स्टार्च के निर्माण में भी होता है. वीट स्ट्रॉ इज यूज फॉर फोडर एंड मल्चिंग मटीरियल. अब हम आते हैं ओरिजिन ऑफ वीट. गेहूं की उत्पत्ति कैसे हुई, हिस्ट्री, ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में आपको मैं बताती हूं. प्राचीन सभ्यताएं जैसे इजिप्ट, ग्रीस, रोम, बोबोलोनिया आदि में गेहूं का उपयोग प्रचलित था. पुरातत्वीय क्षेत्रों जैसे इराक के जार्मो व ईरान व सीरिया में गेहूं के सबसे पुराने कार्बोनाइज्ड दाने प्राप्त हुए हैं, कार्बोनाइज्ड ग्रेन्स प्राप्त हुए हैं. यहाँ गेहूं की जंगली जाति एनेकॉर्न व टिमर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है. ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र से गेहूं का प्रसार अन्य क्षेत्रों में हुआ. हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई में भी गेहूं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं. निकोलाई वेविलोव की जो परिकल्पना करते हैं, निकोलाई वेविलोव की परिकल्पना है. निकोलाई वेविलोव के अनुसार गेहूं की उत्पत्ति मल्टीपल ओरिजिन है उनका, जैसे कि मृदु गेहूं जो सॉफ्ट गेहूं है अफगानिस्तान के पर्वतीय क्षेत्रों में, दक्षिणी पश्चिमी हिमाचल में, डूरम गेहूं एबिसिनिया
ग्रीक व अल्जायरा से, इनकार्न गेहूँ एशिया माइनर से उत्पन्न हुआ। एशिया तथा यूरोप में गेहूँ का तेजी से प्रसार तथा इसकी खेती चीन में, एशिया व यूरोप में गेहूँ का तेजी से प्रसार हुआ। इसकी खेती चीन सिंधु घाटी ईसा पूर्व में की जा रही है। इस समय यहाँ इनकॉर्न गेहूँ उगाया जाता है। नए विश्व में गेहूँ को मेक्सिको में प्रवेश कराने का श्रेय कोलंबस को है। इसके बाद इंग्लैंड व मेनासेट में गेहूँ का प्रवेश हुआ। वीट ग्रोइंग रीजन इन वर्ल्ड एंड इंडिया, संपूर्ण विश्व में गेहूँ की खेती की जाती है। विश्व का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक देश कौन है? अमेरिका है, जो कुल विश्व का जो जितना भी गेहूँ का उत्पादन होता है उससे एक चौथाई भाग अमेरिका अकेला उत्पादित करता है। भारत का गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान है। भारत में चावल के बाद खेती की जाने वाली फसलों में गेहूँ का दूसरा स्थान है। भारत में गेहूँ की फसल की खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में की जाती है। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वीट कल्टीवेशन, वीट कल्टीवेशन के लिए किस तरह की जलवायु चाहिए। वीट इज ए टेम्परेट क्रॉप बट वाइडली एडॉप्टेड टू वेराइंग क्लाइमेट कंडीशन। इट नीड्स कूल, ड्राई एंड क्लियर क्लाइमेट फॉर बेटर ग्रोथ एंड यील्ड। द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजेज, बच्चों ये थोड़ी सी लाइन गलत लिखी हुई है, 70 degrees to 10 degrees। द रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज 750 to 1600 mm पर ईयर। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज हार्मफुल बिकॉज इट इनकरेज द इन्फेस्टेशन ऑफ डिजीज लाइक रस्ट, रूट रोट एट्सेट्रा। इन अर्ली ग्रोथ स्टेज इट रिक्वायर्ड कूल टेम्परेचर एंड ड्यू फॉर्मेशन विच इंक्रीजेज टिलरिंग। वेरी लो टेम्परेचर, क्लाउडी एटमोसफियर एंड फ्रोस्ट ड्यूरिंग ग्रेन फिलिंग स्टेज इज हार्मफुल। विश्व में सभी भागों में गेहूँ की खेती की जाती है। गेहूँ की उत्तम वृद्धि हेतु गर्म शीतोष्ण वार्म टेम्परेट जलवायु, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 70 to 210 cm हो, अच्छी मानी जाती है। इसे भारत के दक्षिणी व उत्तरी क्षेत्रों पहाड़ी में बसंत व शरद दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है। सोइल रिक्वायरमेंट फॉर वीट कल्टीवेशन, वीट क्रॉप इज ग्रोन इन डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल रेंजिंग विद डेजर्ट सोइल टू हेवी क्ले, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल क्ले, लोम सोइल हैविंग मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आर आइडियल फॉर इरीगेटेड वीट। हैवी सोइल विद ओपन स्ट्रक्चर विच कैन रिटेन द मानसून रेनफॉल फॉर लॉन्गर पीरियड इज आइडियल फॉर ड्राई वीट क्रॉप। इन MS ब्लैक सोइल आर मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ वीट। गेहूँ के लिए दोमट मिट्टी जो होती है, लोम दोमट मिट्टी, बालू दोमट सैंडी लोम तथा काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है, में ब्लैक सॉइल उपयुक्त मानी जाती है। गेहूँ की अच्छी पैदावार हेतु उर्वरक के माध्यम से पोषक तत्वों को डालना भी आवश्यक होता है। सोइंग टाइम, द बुवाई का समय। द सोइंग टाइम ऑफ वीट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, टाइप ऑफ कल्टिवेशन,
एंड एग्जाम्पल ड्राई और इरीगेटेड एंड ड्यूरेशन ऑफ वीट वेराइटीज. इन महाराष्ट्र ऑप्टिमम सोइंग टाइम इज लेट अक्टूबर टू अर्ली नवंबर. महाराष्ट्र में कब है इसका टाइम बोने का, लेट अक्टूबर से अर्ली नवंबर है. अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पर आते हैं. बॉटनिकल करेक्टर हैबिट्स एनुअल 60 to 150 सेंटीमीटर इन हाइट. गेहूं का पादप अल्पजीवी लगभग 6 माह, 1 वर्षीय एनुअल और 2 से 5 फीट लंबी वार्षिक घास है. स्टेम टफ्टेड जॉइंटेड विद नोड्स इंटरनोड्स होलो लीव्स होलो इंटरनोड्स होलो लीव्स लीनियर पैरेलल वेनेशन शेल्टरिंग लीव बेस लिग्यूलेट. पौधा इसका उधर वे अशाकित होता है. स्तंभ बेलनाकार व खोखली पर्व एवं ठोस पर्वसंधि युक्त होता है. निचली आधारी पर्व संधि से तलशाकन टिलरिंग होता है जो गुच्छे में होता है. इस पादप की जड़ें अपस्थानिक व रेशेयुक्त होती हैं. गेहूं में पर्ण एकांतरित समांतर शिरा विन्यास युक्त होती है जिसे 4 भागों में बांटा गया है. ब्लेड और लेमिना लीफ शेथ लिग्यूल और ओरिकल यानी कि फलक पर्णच्छाद लिग्यूल और पाली. अब हम इसके आते हैं इनफ्लोरेसेंस पर. इरेक्ट टर्मिनल स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स कॉल्ड एज ईयर हेड ऑफ ग्रेन फ्लावर गोब्ड इनटू 15 to 20 स्पाइकलेट अरेंज अल्टरनेटली ऑन रेकिस ईच स्पाइकलेट विथ 2 to 6 फ्लावर्स ओनली 2 to 3 फ्लावर्स आर फर्टाइल एंड प्रोड्यूस ग्रेन्स. गेहूं के पादप का पुष्पक्रम स्पाइकलेट से बना एक टर्मिनल स्पाइक प्रकार का होता है. पुष्पक्रम में रेकिस जिगजैग क्रम में लगा होता है. प्रत्येक पर्व संधि पर स्पाइकलेट एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं. प्रत्येक स्पाइकलेट में 4 से 5 पुष्प होते हैं जिनमें प्रत्येक पुष्प 2 ग्लूम द्वारा गिरा होता है. फ्लावर्स स्टाइल ग्लूम 2 लूज एंड ब्रॉड पेल राउंडेड एट द बेक स्टेमस 3 एंथ वर्सटाइल कार्पल विथ 2 हेरी स्टाइल ओवरी सुपीरियर. 3 पुंकेसर वे 1 अंडप मिलकर प्रत्येक पुष्प में जनन भाग को बनाते हैं. फ्रूट्स कैरियोप्सिस होता है इसका. ऑबलोंग प्लम एंड स्वोलन 5 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग विद ए शेडो वेंट्रल ग्रूव. गेहूं का फल कैरियोप्सिस होता है जो 1 बीजीय होता है. इसे दाना भी कहते हैं ग्रेन कहते हैं जिसे. ये सफ़ेद लाल चमकदार हल्के पीले दाने की ऊपरी सतह इसकी चिकनी होती है जबकि इसकी वेंट्रल सरफेस चपटी लंबवत खांचयुक्त होती है. दाने की भारी सतह ग्रेन कोट कहलाती है. गेहूं के दानों में स्टार्च 60 to 80%, प्रोटीन 8 to 15%, फैट 1.5 to 2%, खनिज 1.5 to 2%, विटामिन्स बी ई तथा जल इसमें 12% इसमें होता है. बच्चों धन्यवाद. बच्चों अभी मैं इस वीडियो को मॉर्फोलॉजी तक ही इसको कंप्लीट कर रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम वीट की प्रोसेसिंग एंड इकोनॉमिक कल्टीवेशन प्रोसेसिंग एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू बच्चों. थैंक यू सो मच.
धन्यवाद बच्चों।